कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करते हुए एक्साइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक्साइज न्यूमेरिकल 9.13। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 एटमॉस्फियर? एट अ डेप्थ प्रेशर इज गिवन, दैट इज 80 एटमॉस्फियर, 80.0 एटमॉस्फियर। गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी एट द सरफेस, इज इक्वल टू 1.03 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दैट इज के इज इक्वल टू 45.8 × 10⁻¹⁻ पास्कल इनवर्स। 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। निकालना क्या, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ? सरफेस पे डेंसिटी अवेलेबल है, डेप्थ पे क्या होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना, राइट? कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें मालूम है, बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच का रिलेशन भी हमें मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। सपोज फॉर वाटर ऑफ मास m, डेंसिटी एट द सरफेस इज रो n, एट द डेप्थ इज रो डैश। सपोज फॉर वाटर ऑफ मास m, डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस इज रो एंड एट द डेप्थ इज रो डैश, ये हमने सपोज कर लिया। चलिए, तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? एंड रो डैश इज इक्वल टू, हमने एक पर्टिकुलर मास के लिए लिया है, तो रो डैश क्या बनेगा? मास एम अपॉन वॉल्यूम वी डैश, राइट? चलिए, चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना हो तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या बने? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश, हम क्या ले लेते हैं? वी माइनस वी डैश, वॉल्यूम एट द सरफेस माइनस वॉल्यूम एट डेप्थ। चलिए, सरफेस पे वॉल्यूम क्या बनेगा? एम बाय रो, वी को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा? एम बाय रो। माइनस वी डैश क्या बनेगा? एम बाय रो डैश। चलिए, एम को कॉमन निकाले क्या बनेगा? एम इंटू 1/ρ माइनस 1/ρ डैश, क्या ठीक? चलिए, यहाँ से रो को कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा? एम बाय रो इज इक्वल टू 1 − ρ अपॉन रो डैश। देखिए ये कैसे बना, रो को अंदर लेके जाऊँ तो ये क्या बनेगा? 1/ρ। यहाँ पे लेके जाऊँ तो रो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा? 1 − 1 अपॉन रो डैश, क्या बनेगा? 1/ρ डैश। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, रो को कॉमन निकाला है तो यहाँ पे तो रो था तो कॉमन निकल गया, क्या बचेगा? 1, पर यहाँ पे नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दो, रो अपॉन रो डैश, क्या ठीक? सिंपल मैथ्स अप्लाई किया। चलिए, पर m बाय रो क्या बनेगा? m बाय रो तो वॉल्यूम v बन जाएगा, वॉल्यूम v 1 − ρ अपॉन रो डैश। देयरफॉर डेल्टा v इज इक्वल टू v इंटू 1 − ρ बाय रो डैश। चलिए, v को इस तरफ लेके आऊँ तो क्या मिलेगा? डेल्टा v बाय v, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम,
फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। चलिए डेल्टा वी बाय वी हमें मिल चुका है, अब अप्लाई कर देते हैं कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कंप्रेसिबिलिटी का? कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस बी। चलिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, इसे लिखा जा सकता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इंटू वी। देयरफॉर के इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी, क्या बना डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा पी एज इट इज डेल्टा वी बाय वी बना, ये हमारे पास है अवेलेबल 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। चलिए डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, बाहर का प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फियर और डेप्थ में कितना प्रेशर दिया है 80 एटमॉस्फियर, तो ये बनेगा 80 माइनस 1 79। चेंज इन प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्या बनेगा 79 एटमॉस्फियर, 79 और एटमॉस्फियर की वैल्यू क्या बनेगी 1.013 इंटू 10^5। 1 माइनस डेंसिटी एट द सरफेस इज गिवन 1.03 इंटू 10^3। एंड डेंसिटी एट द डेप्थ वी वॉन्ट टू फाइंड रो डैश एज इट इज। और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हमें दी गई है, कंप्रेसिबिलिटी क्या बनेगा, के की वैल्यू कितनी है 45.8 इंटू 10^-11, 45.8 इंटू 10^-11। चलिए अगर इस ब्रैकेट को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा 1 माइनस 1.03 इंटू 10^3 अपॉन रो डैश, अगर इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ये सामने जाएगा तो क्या बनेगा 45.8 इंटू 10^-11 इंटू 79 इंटू 1.013 इंटू 10^5। इसको सामने लेके जाएं तो क्या बनेगा 1 माइनस 45.8 इंटू 79 इंटू 1.013 10^-11 प्लस 5 क्या बने -11 प्लस 5 10^-6 इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10^3 अपॉन रो डैश। अब हमें रो डैश को सब्जेक्ट बनाना है और हमें डेंसिटी एट ए डेप्थ मिल जाएगी, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें देयरफॉर रो डैश इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10^3 एज इट इज। चलिए इतना कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 0.9962, राइट 0.9962। 1.03 अपॉन 0.9962 करिए, डेंसिटी एट डेप्थ मिल जाएगी, ये मिलेगी आप लोगों को 1.034 इंटू 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ दैट इज 1.034 इंटू 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा न्यूमेरिकल है, लॉजिक लगाना होगा, डेंसिटी दी हुई है और हमें कोई पर्टिकुलर मास सपोज करके उसके लिए हमें चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए पहले, फिर फ्रैक्शनल चेंज निकाल लेना चाहिए और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9.14। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब, क्या निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाय वी।
when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere, 10 atmosphere, P ले लो, डेल्टा P ले लो, कितना प्रेशर लगाया हुआ है, 10 atmosphere. चलिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें मालूम है, बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, राइट. अब यहाँ पे हम इसे मैग्नीट्यूड में ही ले लेते हैं, बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव रहेगा. चलिए हमारा इंटरेस्ट किस में, डेल्टा V बाय V में, तो डेल्टा V बाय V क्या बनेगा, डेल्टा P अपॉन B. तो डेल्टा V बाय V क्या बने, डेल्टा P प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10 एटमोस्फियर, और 1 एटमोस्फियर की वैल्यू क्या होती है, 1.01, और यू कैन से 1.013 इंटू 10^5 पास्कल. बल्क मॉड्यूलस ऑफ ग्लास ले, आप लोगों की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बल्क मॉड्यूलस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स इज गिवन, वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस फॉर डिफरेंट मटेरियल इज गिवन. तो बल्क मॉड्यूलस आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल में से मिल जाएंगे. तो बल्क मॉड्यूलस क्या बनेगा ग्लास स्लैब के लिए, ग्लास स्लैब के लिए इसकी वैल्यू बनती है 37 × 10^9. चलिए कैलकुलेट करें, 10 × 1.013 / 37 करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी. कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2.74 × 10^-5. तो ये मिला डेल्टा V बाय V. अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शनल चेंज इन परसेंटेज मिलेगा आप लोगों को, 2.74 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 10^-3 परसेंटेज. छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9.14. सिर्फ हमें बल्क मॉड्यूलस पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल में जनरली बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी जाएगी, ये याद रखना नहीं. डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब. तो यहाँ पे मटेरियल जो दिया हुआ है कॉपर दिया हुआ है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ रहा है, क्या हो रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम बल्क मॉड्यूलस का कंसेप्ट लगाएंगे, 10 cm ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर डेल्टा पी दिया हुआ है 7.0 × 10^6 पास्कल. ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बनेगा, चलिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तो निकाल लेंगे डेल्टा वी, पर ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बनेगा वो देखना होगा. तो ओरिजिनल वॉल्यूम बनेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट एल क्यूब, क्यूब के लिए क्या बनेगा एल क्यूब, एल क्या दी हुई 10 cm, तो 10 cm/3, 10 का क्यूब क्या बनेगा 1000 cm³. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 10^3. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा 10^-6 m³, क्या बनेगा 10^-6 m³, बिकॉज 1 cm दैट इज 10^-2 m³. क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 10^-6, तो ये हो गया 10^-3 m³. दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम V, ठीक है. V हमारे पास है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें निकालना है, निकाल लेते हैं. क्या यूज करेंगे, बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V. मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है. वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आना चाहिए, पर हम सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कितना घट रहा है वो बता देते हैं. तो डेल्टा V बाय V क्या बनेगा, डेल्टा P अपॉन B, और हमें निकालना है डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या बनेगा डेल्टा P V अपॉन B. चलिए प्रेशर क्या दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है 7 × 10^6, वॉल्यूम 10^-3, और कॉपर के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू बनती है 140 × 10^9. चलिए 7 × 2 = 14, तो ये बन गया 20. 6 − 3 क्या बनेगा 3 × 10^3 / 10^9 क्या बनेगा 10^-6, तो ये हुआ 1/20 × 10^-6.
चलिए 1/20 क्या बने, 1/2 होगा 0.5, 1/20 बनेगा 0.05, 0.05 इंटू 10^-6 मीटर क्यूब। दिस इज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये हमें मीटर क्यूब में मिला, और हम जानते हैं 10^-6 मीटर क्यूब क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 0.05 सेंटीमीटर क्यूब, क्या ठीक। तो ये दोनों हो गए एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9.14 एंड 9.15। आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9.16, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9.16। How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? तो ये क्या दिया हुआ है हमें 0.10%, that is the fractional change in volume. Delta V by V in percentage is given to us 0.10%. अब percentage को value में convert करना हो तो क्या करेंगे, 100 से divide कर देंगे, 0.10/100। तो ये हो गया 0.1/100, 0.1 मतलब 10^-1, और ये हो गया 10^2, ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा 10^-3। सो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 10^-3। अब क्या पूछे, व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर टू चेंज इट बाय 0.10%। चलिए तो प्रेशर निकालना है डेल्टा पी। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करेंगे, बल्क मॉड्यूलस, एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर दैट इज 2.2×10^9 पास्कल। चलिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमें मालूम, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा पी मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू डेल्टा वी बाय वी। चलिए बल्क मॉड्यूलस कितना है, 2.2×10^9, डेल्टा वी बाय वी 10^-3, 2.2, 9-3 बनेगा 10^6, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2.2×10^6 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई भी एक यूनिट यूज़ कर सकते हो, तो डेल्टा पी बनेगा 2.2×10^6 पास्कल। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। 9.16 ये लास्ट न्यूमेरिकल था जिसे हमने सॉल्व करवा दिया है। अब यहाँ पे ये जो भी न्यूमेरिकल्स करवाए, ये जो भी चीज़ें हमने करवाई हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 9 काफ़ी ईजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दो चार फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रह गए तो इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंजीनियरिंग में बहुत ही आगे काम आता है ये चैप्टर। जो लोग इंजीनियरिंग ए ग्रुप वाले हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन्हें आगे ये चैप्टर बहुत काम आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। यहाँ पर मैं इस लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।